साइबर ठगी दे लगातार मामले वते जा रहे ने ते हुण इक वार फिर तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जिस दे विच एक बजुर्ग औरत नूं करीब किया जा सकता है कि ऑनलाइन तरीके नाल ही 7 घंटे तक फोन ते बंधक बनाया गया ते उस तो बाद दे विच 4 लाख रुपए उस तो ट्रांसफर भी करवा ले गए। तां मामला कुछ इस तरह है कि बजुर्ग औरत नूं कॉल की जाती है एक CBI का नकली अफसर बन के जिस दे विच कहा जाता है कि असी तुहाडे बेटे नूं रेप दे केस च गिरफ्तार किया, जेकर तुसी उसनूं बचाउणा चाहुंदे हो तां उसदे अकाउंट दे विच इन्ने रुपए सेंड किए जाण। तां जिस तों बाद कहा जा रहा है कि जिवें ही औरत ने अपने बेटे की आवाज़ नूं भी फोन ते सुनिया तां उस तों बाद ओह घबरा गई ते एक तों बाद एक करके करीब 4 लाख रुपए तों वध उस अकाउंट दे विच सेंड भी कर दिते। हालांकि मुड़ तो जो उस CBI नकली अफसर की कॉल आती है तो उस दे विच एक बार फिर तो बेटे की आवाज़ सुनाई जाती है। हालांकि जो बेटा है जो शाम 6:30 बजे घर वापस आता है तो उस समय सारा भेत खुलता है तो माँ उसनू अपने सामने देख के हक्की पक्की रह जाती है कि आखिर यह सब कुछ होया की है। जिस तो बाद बेटे के वलों इस घटना की जानकारी हुण पुलिस को भी दी गई है तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो मामला फरीदाबाद तो सामने आया जिते कि साइबर ठगा के वलों हुण नकली अफसर बन के AI तकनीक के नाल उस बंदे की आवाज़ को भी सुनाया जाता है, जिस तो बाद जो बजुर्ग ने या फिर कोई भोले भाले लोग ने वह उसकी गल्लां दे विच आ जाते हैं तो जो भी वह मंगते ने उसनू सेंड कर देंगे ने। तो दस दिए कि इस तो बाद लगातार हुण पुलिस के वलों ठगा की भाल के छापेमारी की जा रही है तो दूजे पासे पीड़ित परिवार के वलों हुण इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। मेरा नाम शुभम कौशिक है। फ्रॉड हुआ है मेरी माता जी के साथ लास्ट सैटरडे को। एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ 10 बजे, मेरी माता जी के पास फ़ोन आया 12 बजे के आसपास, किसी ने पोस्ट किया कि वो CBI ऑफिसर हैं और उन्होंने मुझे अरेस्ट किया है इन अ रेप केस। तो मेरी माता जी ने भरोसा नहीं किया, उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा नहीं कर सकता, बट उन्होंने बात कराई है किसी से जिसकी आवाज़ मुझसे मैच करती थी। तो मेरी आवाज़ में किसी ने माता जी को रोते हुए बोला है कि माता जी मुझे बचा लो, कुछ भी करके आपको जो इनको देना है इनको दे दो, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे करो और मुझे बचा लो। माता जी ने फ़ोन काटा, काटते के साथ माता जी ट्राई कर रही थी किसी और को फ़ोन करने के लिए, लेकिन उन्होंने तुरंत फ़ोन कॉल बैक करके दोबारा फ़ोन किया। माता जी ने फ़ोन उठाया तो रोते हुए बोले हैं कि मेरे पैर तोड़ दिए हैं, मुँह से ब्लड आ रहा है, अब इस बार फ़ोन काटोगे तो मुझे जान से मार देंगे। तो माता जी को लगा, भरोसा हो गया। इससे पहले जब CBI ऑफिसर ने बात की तो उसने मेरा नाम, मेरी दीदी की रिसेंटली शादी हुई थी वो कब हुई है, मेरे फादर कब एक्सपायर हुए हैं, ये पर्सनल डिटेल शेयर करी। तो माता जी को भरोसा हो गया। माता जी को उन्होंने जैसे बोला तो 12 बजे से लेके इवनिंग में 6:30 बजे तक माता जी पैसे ट्रांसफ़र करती रहीं। कुछ पैसे घर में रखे हुए थे, वो पड़ोसियों से पैसे लेके और अलग अलग दुकानों पर जाकर पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं 4 डिफरेंट अकाउंट में। 6:30 बजे मैं घर पर आया हूँ जब तक ये चल रहा था और तब ये पता चला है पूरे स्कैम का। फिर मैंने फरीदाबाद सेक्टर 8 में साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कराई है और उस पर काम चलता है। कितने टोटल कितना लगभग 4 लाख का ट्रांजेक्शन है, जिसमें 80,000 का मेरे पास जिस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है वो डिटेल नहीं है। तो मैंने 3,19,999 रुपये का फ्रॉड रजिस्टर कराया जो आपके पास डिटेल है। हाँ, जिसकी मेरे पास डिटेल है। तो किस तरीके से हुआ पूरा सिस्टम अचानक? एक्चुअली उन्होंने ये अभी तक क्या हो रहा था कि वो लोग कॉल करके पोस्ट तो करते थे कि वो CBI ऑफिसर हैं, बच्चे को पकड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ में बात कराई है ना, ये थोड़ा मतलब मैं भी घर में बताता था, हम सब आस पड़ोस में बताते हैं, लेकिन मेरी आवाज़ में बात करी है तो भरोसा हो गया। और इसीलिए मैंने ये कंप्लेंट रेज कराई और लाइक दैनिक जागरण, अमर उजाला और कुछ न्यूज़पेपर्स में भी इसको कवर किया। कहीं ना कहीं नए तरीके का। हाँ जी, हाँ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके जो वॉइस जनरेट करी है ये मेन कंसर्न है। कल को कोई इलीगल एक्टिविटी भी करा सकता है ब्लैकमेल करके ना, और हो सकता है किसी बड़े टेररिज्म या किसी और इलीगल एक्टिविटी में कोई फंस जाए। तो फिलहाल पुलिस को आपने शिकायत दी, किस तरीके की जो है वो अपडेटिंग चल रही है? कुछ 4 अकाउंट हैं जिसमें से एक अकाउंट की डिटेल उन्हें मिली है किसके नाम पर रजिस्टर है और कहाँ का अकाउंट है, तो उन्होंने कुछ कॉल डिटेल्स भी निकाले हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली हैं और बाकी काम चल रहा है।
तो पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आईपीएस जसलीन कौर के अंडर है जो डीसीपी सेंट्रल है, तो कार्रवाई शुरू कर दी है। पर्सनली उन्होंने डिटेल भी शेयर की। ये 17 फरवरी की बात है, एक बल्लभगढ़ निवासी महिला के पास एक साइबर ठग की कॉल आती है कि आपके बेटे को सीबीआई ने पकड़ लिया है किसी रेप केस के मामले में, और उसको छुड़वाने के लिए आप कुछ पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और इसके बाद जो साइबर ठग थे उन्होंने महिला को उसके बेटे की रोते हुए की आवाज़ सुनाई, और जिसमें एआई जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, उसके बेटे की रोने जैसी आवाज उसको सुनाई गई। तो महिला डर गई और उन्होंने इसी डर के बदले में उस महिला से एक्सटोर्शन किया है उसका सीबीआई अधिकारी बनकर। और महिला ने अलग अलग अपने खुद के पैसे और इधर उधर से पैसे लेके, और उन्होंने आरोपियों द्वारा बताए गए अलग अलग अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर दिए, जो करीब 3,19,000 के आसपास पैसे ट्रांसफर किए। और वो महिला से लगातार बातचीत करते रहे और पैसे डलवाते रहे। महिला का जो बेटा है वो दिल्ली में जॉब करता है, वो जब घर आ गया तो उस टाइम तक भी उनका यही चलता रहा, यानी कि छोटे से छोटा अमाउंट भी वो किसी बैंक अकाउंट में, जैसे एसबीआई का बैंक है, एक इंडस बैंक है, एक महाराष्ट्र बैंक और पेटीएम वगैरह है, इनमें पैसे डलवाते रहे। तब उस साइबर ठगी का खुलासा हुआ इस बारे में, फिर महिला के द्वारा साइबर थाना बल्लभगढ़ में शिकायत दी गई है। इस पर पुलिस की तेजी से कार्रवाई जारी है, जो 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 भी ट्रांजेक्शन हुई है। और अगर जानकारी में आया हो कि वो जो लड़का था वो करता कहाँ है, कहाँ पर करता है, और ये इतना बताना जरूरी नहीं, लेकिन वो तो दिल्ली में जॉब करता है, अच्छा प्रोफेशनल जॉब है उसकी। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? शिकायत मिली है, उसी शिकायत के आधार पर जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और किस बैंक से, मतलब इनके द्वारा जो पैसे दिए गए हैं और किस किस बैंक में गए हैं, किन किन अकाउंट्स में गए हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। काफी लिंक के जो हमें मिले हैं इसमें, और इसमें जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही मैं अपील करना चाहूंगा कि जब भी इस तरह की कोई भी जो अनजान आदमी आपको किसी भय में देकर, अभी आपके बेटे ने ये कर दिया या आपके पति ने ये कर दिया या आपके भाई ने ऐसा कर दिया, तो इस तरह की जो एक्सटॉर्शन करते हैं तो आप पहले वेरीफाई कर लें एक बार, अनजान व्यक्ति से ना डरें, फोन डिस्कनेक्ट करें, और जिसके बारे में किसी का एलिगेशन लगाया जा रहा है जिस पे भी, भाई उसको इसलिए अरेस्ट कर लिया है, अपने बेटे भाई पति या जिस पे भी एलिगेशन है उस पे वेरीफाई करें। अनजान व्यक्ति के कहने से उसके किसी भी खाते में पैसे ट्रांसफर ना करें। और कई बार ये ऑफर देते हैं कि भी आपको ये सब चीज़ सस्ती दी जा रही है या कोई ये लिंक ओपन करें, तो किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी भी तरह के ऑफर के बहकावे में या लालच में ना आए। इससे आपकी केवल वित्तीय हानि होगी और कुछ नहीं होगा। तो अपनी वित्तीय हानि से बचने के लिए सचेत रहें कि आप जितने जागरूक रहेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे।